लॉकी को हम एक कद्दू क्रश कर लेंगे एक ग्रेटर की मदद से। उसके बाद इसको पकाएंगे। अब कढ़ाई गरम करेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे तेल। तेल आप अपने स्वाद अनुसार मस्टर्ड ऑयल या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून के करीब क्यूमिन सीड्स या जीरा। जीरा के चिटकने के बाद हम उसमें डाल देंगे प्याज। प्याज के हल्का फ्राई होते ही हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि सूखे मसाले जले ना, और इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला फ्राई करते समय गैस को मीडियम रखिएगा, नहीं तो मसाला जल जाएगा बहुत जल्दी। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट। चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए, जितना तीखा आपको पसंद है। यहाँ पे अच्छे से हम मसाले को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। जब मसाला हाफ कुक हो जाए तब उसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, और साथ ही साथ हम ऐड करेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है, मसाले के साथ बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। कुछ देर तक पकाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा मसाला, जिसका तेल सेपरेट हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि मसाला प्रॉपर फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कद्दू या लौकी, जो भी आप बोलते हैं, ग्रेट किया हुआ बॉटल गार्ड। इसको अच्छे से मसाले के साथ हम मिला लेंगे। ऐसे ही चलाते हुए इसको पकाना है, ढक के थोड़ी देर देर में लीड हटाकर फिर इसको चलाना है ताकि जले ना नीचे से, और गैस को एकदम मीडियम रख देना है, मीडियम टू लो। लौकी में कोई भी अलग से पानी ऐड नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम थोड़ा सा चीनी ऐड किए हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अवॉइड कर सकते हैं। कद्दू का लौकी का खुद का जो पानी है उसी में वो कुक हो जाएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखिए लौकी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है मेरा। इसको इसी तरीके से चलाते हुए हम इसमें जितना भी एक्सेस वाटर है उसको जस्ट सुखा देंगे। यहाँ पे सब्जी बनके तैयार हो चुका है पूरी तरीके से, तो इसमें हम डालेंगे अभी धनिया पत्ता। इसको गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। घर में ट्राई करिए, जिनको लौकी बिल्कुल खाने में पसंद नहीं है उनके लिए स्पेशली इस तरीके से बनाई है, तो बहुत अच्छे से खा लेंगे। बहुत को पसंद भी आता है इस तरीके से खाना। तो अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।